किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है। जितनी बार प्रयोग करेंगे पहले से बेहतर सफलता पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसी पेन जिसका उपयोग आज के युग में दुनिया में प्रत्येक दिन लाखों लोगों द्वारा किया जाता है, जिसने फाउंटेन पेन की जगह ले ली, क्योंकि फाउंटेन पेन से लिखते समय होने वाले धब्बों से बहुत परेशानी होती थी। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस आविष्कार की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं बॉल पेन पॉइंट पेन का आविष्कार कब और किसने किया। बॉल पॉइंट पेन का इतिहास लगभग 8 दशक पुराना है। इस पेन का आविष्कार 1931 में लेडिस्लाओ जोस बीरो द्वारा किया गया था, जिनके नाम पर इस पेन को बीरो पेन के नाम से जाना जाता है। लेडिस्लाओ जोस बीरो का जन्म 1899 हंगरी के बुडापेस्ट शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वह पेशे से पत्रकार, चित्रकार और आविष्कारक थे। बाद में उन्होंने अपना नाम लाजियो जोसेफ बीरो रख लिया था और वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको बता दें कि इसके पहले अमेरिकी वकील और लेदर का काम करने वाले व्यक्ति जॉन जैकब लाउट ने सन 1888 में पेन का आविष्कार किया था। जॉन लाउड ने इसे 30 अक्टूबर 1988 को अमेरिका में पेटेंट प्राप्त किया था। यह बाल पेन के लिए दुनिया का पहला पेटेंट था। लाउड का बाल पेन लेदर पर लिखने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उससे कागज पर सुचारू रूप से नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए इस पेन का उपयोग आम जीवन में नहीं हो पाया। जॉस बीरो फाउंटेन पेन से लिखते समय होने वाले धब्बों से बहुत परेशान थे, अतः उनके मन में एक ऐसा पेन बनाने का विचार आया जिसकी स्याही जल्दी सूख जाती और लिखने पर धब्बे भी न पड़े। हंगरी में पत्रकार के रूप में कार्य करते समय उन्होंने देखा कि अखबारों की छपाई में जिस स्याही का उपयोग किया जाता था वह जल्दी सूखती थी एवं उससे कागज पर धब्बे नहीं पड़ते थे। इसके लिए उन्होंने फाउंटेन पेन में जल्द सूखने वाली अखबारी स्याही का उपयोग किया था, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ क्योंकि यह स्याही बहुत मोटी थी जिसे निब की नोक तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। अतः उन्होंने एक बाल पॉइंट पेन निब का आविष्कार किया जिस पर स्याही की एक पतली फिल्म लेपित की गई थी और जब निब का कागज के साथ संपर्क होता था तो उसकी गेंद घूमने लगती थी और कार्टेज से स्याही प्राप्त करती थी जिससे लिखने का काम होता था। वर्तमान समय में बाल पॉइंट पेन का निब सामान्यतः पीतल, स्टील या टंगस्टन कार्बाइड जैसे धातुओं से बनता है। जॉस बीरो ने सही श्यानता वाली स्याही के लिए अपने भाई गियोर्गियो बीरो की मदद ली थी जिनकी दवा की दुकान थी। इस जोड़ी ने 15 जुलाई 1938 को इस पेन को बीरो नाम से पेटेंट करवाया था। यह रही उनकी पहली पेन जो उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर के बनाई थी। अभी भी ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में इस कलम को बीरो पेन ही कहा जाता है, जबकि अमेरिका, भारत में इसे बाल पॉइंट पेन के नाम से जाना जाता है। 1940 में हंगरी पर नाजियों के कब्जे के कारण जोस बीरो को देश छोड़ना पड़ा और वे अर्जेंटीना चले गए, जहां उन्होंने बीरो पेन को वाणिज्यिक उत्पादक के रूप में प्रचारित किया। बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार इस पेन के पहले निर्माता ब्रिटिश अकाउंटेंट हेनरी जॉर्ज मार्टिन थे। इस पेन का सबसे पहला खरीदार ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस संगठन ने 30,000 बीरो पेन के ऑर्डर दिए थे।
क्योंकि यह पेन पारंपरिक फाउंटेन पेन के विपरीत अधिक ऊंचाई पर आसानी से काम करता था, आज BIC क्रिस्टल बीरो दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेन है। ज्ञातव्य हो कि अमेरिका में मुद्रा स्फीति के बावजूद बीरो पेन की कीमत 1959 के बाद से स्थिर है और एक पेन की कीमत 19 सेंट है। दस जून 1943 को हंगेरियन भाइयों लास्जलो और गियोर्गी बीरो ने अपने नए लेखन पेन डिजाइन के स्वामित्व की घोषणा करने के लिए एक यूरोपीय कार्यालय में भी पेटेंट कराया था। और बता दें आपको कि यह तिथि इन सरल भाइयों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय बाल पॉइंट पेन के दिवस के रूप में भी विकसित हुई। बाल पॉइंट पेन का ब्रांड्स जो भारत में और पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उसमें से कुछ आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि कैमल, आरोरा, क्लासमेट, सीलो, फ्लेयर, BIC, यूनिबॉल और मोंटेक्स, लग्जर और रेनॉल्ड्स और पार्कर, ये ढेर सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिनको लोग यूज करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील बाल पॉइंट पेन भारत में आचार्य मकुनरी निवास श्रीनिवास द्वारा बनाया गया था। कलम की लंबाई 5.5 मीटर यानी कि 18 फीट 0.53 इंच और वजन 37.23 किलोग्राम है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से बाल पॉइंट पेन के बारे में हमने जाना, आपको अच्छी लगी जानकारी, और ऐसी ही जानकारियां हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन रोचक जानकारियों की कड़ी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।